हे गाइस, दिस इज़ पिंटू सिंह यादव और आज मैं है गांव में हूं और यहां पर आज मैं दिखाने वाला हूं कि जो गांव में है वहां पर चूरा की कुटाई कैसे होती है। एक प्रोसेस मैं बताऊंगा कि किस तरीके से धान को रखा जाता है, किस तरीके से उसका तैयार किया जाता है, इसके बाद मशीन में जाकर फाइनली जो चूरा है वो तैयार होता है। तो मैं ए टू जेड प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ, तो हमारे वीडियो के अंतिम दौर तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये भूसा है, जो चूरा निकलता है उसी का भूसा है जिसके माध्यम से इसको चूल्हा में इसको डाला जाता है ताकि ये जो है वो कहीं ना कहीं गर्म करता रहे। तो ये देख सकते हैं चूल्हा है और चूल्हा में ये भूसा जो है वो डाला जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर तीन लेयर बना हुआ है, एक लेयर ये है, इसके अलावा दूसरा ये है और तीसरा की बात करता हूँ तो ये है। पहले में क्या होता है कि अगर आपका धान जो है कहीं ना कहीं पानी वाला होता है तो उसको ये सूखा करता है ना जी, सूखा करता है जी। इसके अलावा थोड़ा सा जब पक जाता है तो इसमें फिर आता है और इसके अलावा तीसरा में जो धान जब जाता है तो ये फाइनली चूरा के लिए तैयार हो जाता है। बढ़िया, ठीक है। इसके बाद करते रहिए वही धान है जिसका फाइनली चूड़ा बनता है और ये जो है आपको इसमें हीट करने के लिए पहले जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे ये भरते हैं और सपोर्ट के लिए ताकि हाथ ना जले इसका ये खंभा बना हुआ है। इसके बाद इसको इसमें डालते हैं। कब तक पता चले हो जाएगा, कब तक पता चले थोड़ा बन गया खराब होता है।
की ही Thank you.